पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने के बाद लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों में कुछ जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है। इस बीच देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो बात कही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है और इसे रोकना संभव नहीं है। तीसरी लहर की आहट की आशंका व्यक्त करने के साथ ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करके ज्यादा लोगों को कवर करना है और कोविशील्ड वैक्सीन का गैप को बढ़ाना सही है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से कोविड प्रोटोकॉल की कमी है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सबक नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही थोड़ी ढील मिली है फिर से भीड़ बढ़ रही है और लोग इकट्ठा होने लगे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा। तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों के भीतर आ सकती है या इसमें थोड़ा लंबे समय भी लग सकता है। एम्स प्रमुख ने कहा कि आमतौर पर एक नई लहर में 3 महीने तक का वक्त लगता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर इसके लिए बहुत कम समय भी लग सकता है। हमें कोविड प्रोटोकॉल के अलावा सख्त निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले की लहर में हमने कोरोना वायरस का नया वेरिएंट देखा जो विदेशों से हमारे देश आया और यहाँ डेवलप हुआ था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अनुमानित समय से पहले तीसरी लहर आ सकती है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से गठित की गई एक्सपर्ट्स कमेटी ने दी थी। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि राज्य के कई हिस्सों में ढील मिलने के बाद भीड़ देखी गई है, ऐसे में मामलों की संख्या जल्द ही बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर के चरम पर राज्य में 8 लाख एक्टिव केस भी हो सकते हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 40 एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर से जानकारी हासिल की गई थी। स्टडी में कहा गया था कि तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर लहर को नियंत्रण किया जा सकेगा। हालांकि रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई है उससे हर किसी की चिंता बढ़ना लाजमी है। इसीलिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया आपसे यही अपील करता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाकर रखें, अपना, अपने साथियों और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया।